कोरोना काल में जिला अस्पताल के अनियमित कर्मचारियों की चिंताएं वेतन विसंगति और स्वास्थ्य विभाग की नीति के चलते बढ़ गई हैं। इसलिए रोगी कल्याण समिति के कर्मियों ने अब अनिश्चितकालीन धरने का रास्ता अख्तियार किया है। पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे अनियमित स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि केंद्र और राज्य शासन के निर्देश होने के बावजूद ना तो उनका ईपीएफ काटा जा रहा ना ही भविष्य निधि। ऐसे में अपने भविष्य को लेकर अब अनशन पर हैं। 400 बेड वाले जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का मोर्चा संभालने वाले 56 स्वास्थ्य कर्मी ऐसे हैं जो रोगी कल्याण समिति के कर्मचारी हैं और अनियमित और 25 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल में समय पर वेतन और अन्य भत्ते न मिलना उन्हें परेशानी में डाल रहा है। अपने मौजूदा हालात और भविष्य की चिंता को देखते हुए अनियमित स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। लघु वेतन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि जिले का स्वास्थ्य विभाग केंद्र व राज्य शासन के निर्देश के बावजूद समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि इस कोरोना काल में ये सभी नियमित स्वास्थ्य कर्मियों से कहीं अधिक सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में रोगी कल्याण समिति के 45 कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना जिले के स्वास्थ्य विभाग पर बुरा असर डाल सकती है। कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार के वादे के मुताबिक जिला स्वास्थ्य अधिकारी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि हमको पद के अनुरूप हमें हमारा वर्गीकरण कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ ये लोग अपनी वेदना मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के किए थे और माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश शासन जी ये स्पष्ट निर्देश आए थे कि वरिष्ठता के आधार पर जो भी चतुर्थ श्रेणी के पद हों उन्हें उनमें इनको इनका नियुक्तिकरण कर दिया था 2009 में आया था। उसके बाद 2016 में बड़ा स्पष्ट मध्य प्रदेश शासन का आदेश आया कि इनका नियुक्तिकरण कर दिया जाए, परंतु खेत का विषय है कि यहाँ का स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के पक्ष में आज तक कोई सहानुभूति निर्णय नहीं लिया और किसी प्रकार का लाभ। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में केंद्र शासन का ये नियम है कि कर्मचारियों का ईपीएफ काटा जाए, उनको जो है ईपीएफ के दायरे में लाया जाए। बड़े दुख की बात है कि यहाँ का स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों को केंद्र शासन के निर्देशों को बलाए ताक रखकर अपनी मनमानी के रूप में न तो कर्मचारियों की भविष्य निधि काटता है, क्योंकि भविष्य निधि कटने से उनको एक सर्विस सिक्योरिटी ये मिल जाती है कि सेवानिवृत्त होने के बाद भविष्य निधि विभाग उनको पेंशन देता है, और यदि कोई दुर्भाग्य से भगवान न कराए हो लेकिन किसी कर्मचारी के साथ कोई हृदय विदारक दुर्घटना हो गई तो उसके परिवार को पेंशन मिलता है। हम लोगों की मांगे बिल्कुल जायज़ हैं और उसमें शासन का कोई नुकसान नहीं है।